माननीय उपराज्यपाल महोदय, आप इन जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, हमारे बस के मार्शल हैं, इनको तुरंत प्रभाव में इनका रोजगार वापस देने का काम करें, इनके परिवार के ऊपर इनकी जीविका चलाने का भी संसाधन इन लोगों के पास नहीं है। इन्होंने किस प्रकार से कोरोना काल के दौरान दिल्ली के लोगों की सेवा करने का काम किया, मदद करने का काम किया, जब बेटा बाप को नहीं देख रहा था, बाप बेटे को नहीं देख रहा था, उस समय पे ये सिविल डिफेंस के वॉलंटियर लोगों को घर घर जा जाकर कोरोना के किट बांटने का काम कर रहे थे, टेस्ट कराने का काम कर रहे थे, उनके लिए दिन रात खड़े होने का काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को आपने बेघर करने का काम किया और ऊपर से झूठ झूठ का पुलंदा आप बांधते हैं और कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने उन लोगों को हटा दिया, और जबकि सबको पूरी तरह ये बात स्पष्ट है कि दिल्ली का सर्विसेज विभाग जो है वो पूर्ण रूप से माननीय उपराज्यपाल महोदय के अंतर्गत आता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमेशा झूठी और गंदी राजनीति करने का काम करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि इन कम से कम आपको राजनीति करनी है, आम आदमी पार्टी के साथ राजनीति करनी है, आप खूब कीजिए, लेकिन किसी के पेट पर, किसी के रोजगार पर लात मार के उनके साथ जो है गंदी राजनीति मत करिए, आप लोगों को पाप लगेगा। आपको पता है कि दिल्ली का सर्विसेज विभाग पूर्ण रूप से माननीय उपराज्यपाल महोदय के अधीन है और दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था दिल्ली विधानसभा में यह प्रस्ताव लाकर, और फिर आज हम दोनों सदस्य यहां पर इस प्रस्ताव को दोबारा पुनः यहां पर पढ़ के हम लोगों ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली की सरकार उन बस मार्शल के साथ, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के साथ खड़ी हुई है, और उनको हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव में उनका रोजगार वापस हो, ताकि जो बसों के अंदर हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए, वो दिल्ली के लोगों को अपनी सेवाएं दे पाए।